दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओरेंज हलवा के ऊपर। और ये जो आप हाईवे जो आप ये नया स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जींद से सोनीपत तक के लिए अब नया रास्ता बनाया जा रहा है, नया 4 लेन बनाया जा रहा है। तो जींद और गोहाना के बीच में जो पुराना रास्ता था वो उस तरफ पड़ता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ये नई रास्ता बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी भराई करी गई है काफ़ी। अभी आप आगे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एनलार्ज करके दिखा देता हूँ, या शायद से आपको ढंग से दिखेगा नहीं। आगे की तरफ वो देखिए ट्रक और जेसीबी मशीनें भी खड़ी हैं, और ये देखिए आप, फोर लेन बनाया जा रहा है, ये नया हाईवे पूरा। और आगे की तरफ ट्रक वगैरह भी खड़े हैं, अच्छा खासा काम हो रहा है। अभी इस तरफ मिट्टी भराई का काम चल रहा है। अभी इसके पीछे आप देख सकते हैं, इसके पीछे एक वो आती है, क्या नाम है, एक रेलवे लाइन है, उसके पीछे की साइड में अभी काम चलने लग रहा है। और इस तरफ अभी काम चालू होगा, करेंगे ये, आप देख ही सकते हैं। आज ये स्पेशल मैं ब्लॉग बनाने आया आपके लिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पे इस तरफ काम ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखता था। मैंने सोचा कि एक स्पेशल व्लॉग बनाया जाए जिससे इस तरफ के काम का थोड़ा ब्यौरा हो। अभी मैं चल के आपको और दिखाता हूँ, कुछ सामान भी मेरे पास काफी ज्यादा है, उस वजह से भी थोड़ा सा। आइए आपको और दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आगे चल के। ये देखिए, अभी सिर्फ इस तरफ मिट्टी का ही भराई का काम चालू हुआ है, पीछे की तरफ भी आप ये देख सकते हैं सिर्फ यही दो बना रखे हैं। और आगे जब हम निकलते हैं, जो रोहतक पानीपत का हाईवे है वो अभी यहाँ से गोहाना से निकलने लग रहा है, तो उसके बाईपास के ऊपर अभी इसके बाईपास का भी काम चलने लग रहा है। और जो पुराना हाईवे का जो बाईपास है वो सेक्टर के अंदर आ जाएगा, और जो ये बाईपास बनेगा, इस बाईपास को अगर कोई जींद से जा रहा है तो भी इसे इस्तेमाल करेगा, और अगर कोई रोहतक पानीपत से आ रहा है और उसे रोहतक जाना है तो भी वो इसी को इस्तेमाल करेगा। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट चल रही है हरियाणा में NHAI के द्वारा, क्योंकि पुराने वाला जो जींद गोहाना का जो रोड था, अगर उससे बड़ा किया जाता तो उसके आसपास के बहुत गांव लगते हैं, बहुत ज्यादा जमीन खरीदनी पड़ती। ये रास्ता बिल्कुल नया है, बिल्कुल ग्रीन फील्ड बनाया है ये रास्ता। जींद टू गोहाना ग्रीन फील्ड है, और गोहाना से सोनीपत का जो रास्ता है वो ब्राउन फील्ड है, उसी को 4 लेन का किया जा रहा है। आप देख सकते हैं डेवलपमेंट को, आगे वो ट्रक खड़ा हुआ भी आपको दिख रहा होगा। अभी इस तरफ सिर्फ इतना ही काम किया गया है कि यहाँ से वाहन आ जा सके, और क्योंकि आगे हाईवे पे वो बनाने लग रहे हैं ना, बाईपास का काम चल रहा है, तो अभी वहां पर बने नहीं है ब्रिजेस। जब पूरे ब्रिजेस बन जाएंगे तो उसके बाद मेरे को लगता है फिर यहाँ पर काम चालू करेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ अभी तक यहाँ पे मिट्टी मिट्टी डाली गई है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी भी पूरी नहीं डाली है, मिट्टी भी सिर्फ इतनी डाली है कि ट्रकों का काम आना जाना आसानी से हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे लगा रखे है, वाटर कैनाल का काम चल रहा है इसके ऊपर। वो देखिए साइड वॉल बाउंड्री वॉल के लिए रख रखे है। ट्रक में यहाँ बैठे है वो देखिए, बंदा आ गया, बंदा आ गया है।